जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चुनी लाल यादव। दोस्तों हमारे पास है T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच। इसके अंदर कॉन्टेक्ट जो है दोस्तों कैसे सेव करते हैं, जैसे कि मैं कॉन्टेक्ट सेव कर रखा हूं, ठीक है। इस तरह से आप भी जो है कॉन्टेक्ट सेव करना चाहते हैं तो कैसे सेव करेंगे, यही जानकारी मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ताकि आप भी अपने T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में कॉन्टेक्ट को सेव कर सकें। चलिए उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल में जाना है स्मार्ट वॉच में कॉन्टेक्ट को सेव कर सकें। चलिए उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल में जाना है। मोबाइल में जाने के बाद में आपको जो है प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है वॉच प्रो। ओके, है वॉच प्रो ये वाला ऐप आ जाएगा, ठीक है। सर्च करने के बाद में इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद में ओपन करना है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे नीचे दिखेगा एग्री का बटन, फिर इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है, ठीक है। अलाउ कर देने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस नहीं रहेगा, तो नीचे आपको यहाँ दिखेगा सेट का ऑप्शन, सेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखेगा बाइंड डिवाइस टू एक्सपीरियंस मोड, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और आपको यहाँ पे सर्च करेगा आपके वॉच को, यहाँ पर देखिए T800 अल्ट्रा जो है मेरा वॉच को सर्च कर लिया है। ओके, और इसके आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सब सारा जो है एक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला स्टेप जो कंप्लीट हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा कंप्लीट होने वाला है, चौथा भी हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर से आपको सेट वाले से क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर देखिएगा T800 अल्ट्रा, मतलब आपका वॉच जो है कनेक्ट हो गया है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जिस भी व्यक्ति का नाम डालना चाहते हैं वहाँ नाम, यहाँ नंबर, तो मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ 139 रेलवे का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रेलवे डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे रेलवे सिलेक्ट हो गया, सेव हो गया। एक दूसरा भी सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ मैं 198 एयरटेल कस्टमर, ठीक है, कस्टमर। इस तरह से यहाँ पे ओके कर देते हैं, और ये भी नंबर देखिए सेव हो चुके। उसके बाद में फिर नंबर एड करता हूँ यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ आई लव यू, ठीक है, आई लव यू, ठीक है। उसके बाद मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये भी नंबर देखिए सेव हो चुका है। अब मैं इसको देखता हूँ अपने स्मार्ट वॉच में, वहाँ पे सेव रहेगा। अब हम कॉन्टेक्ट में जाते हैं और देखते हैं कि नंबर सेव हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इतना सा नंबर तो पहले से था, अब मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एयरटेल नाम से भी सेव किया था, रेलवे के नाम से भी सेव किया था, एयरटेल कस्टमर के नाम से सेव किया था, और आई लव यू के नाम से सेव किया था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से सेव कर पाएंगे कॉन्टेक्ट को अपने T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में। तो चलिए, वीडियो यूजफुल रहा, हेल्पफुल रहा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं आपको इसी तरह वीडियो के साथ। अब तक टाटा, बाय बाय, टेक केयर।